दोस्तों आचार्य चाणक्य की नीतियाँ संसार की सर्वश्रेष्ठ नीतियों में से एक मान जाते हैं। आचार्य चाणक्य एक श्रेष्ठ अर्थशास्त्री होने के साथ साथ एक मान राजनीतिज्ञ एवं कूटनीतिज्ञ थे। उनके द्वारा बताई गई चाणक्य नीति को सीखने से आप जीवन की किसी समस्या को आसानी से सुलझा सकते हैं। साथ ही साथ चाणक्य नीति का ज्ञान आपके लक्ष्य को पूरा करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ शक्तिशाली मुस्लिम वशीकरण उपाय। इस उपाय के जरिए से आप किसी भी शादीशुदा औरत या लड़की को अपनी मोहब्बत में बेकरार कर सकते हैं। अगर आप किसी भी औरत या लड़की को प्यार करते हैं पर वो आपको भाव नहीं दे रही, आपसे बात नहीं कर रही, तो मैं आज आपको एक ऐसा वशीकरण उपाय बताऊंगा कि जिससे आप उस औरत को बहुत ही कम समय में अपनी दीवानी बना सकते हैं। इस उपाय की मदद से उसे अपने प्यार में दीवानी बना सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक कोरा कागज ले लेना है, फिर आप उस पर लिखेंगे 7867 के नीचे उस औरत या लड़की का नाम लिखना है जिसको आप पसंद करते हैं, जिसको आप अपने बस में करना चाहते हैं। 8 के नीचे प्लस का साइन और 6 के नीचे आप अपना नाम लिख दें। उसके बाद आपको 939 लिखना है और नीचे एक मंत्र लिखना है। दोस्तों मंत्र है अब्दुल बसलम फला। अब आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है, अब्दुल बसलम पला, अब्दुल बसलम पला, ऐसे ही करके 11 बार उच्चारण करने के बाद सिर्फ तीन बार आपको उस औरत या लड़की का नाम लेना है। उसके बाद इस कागज को मोड़कर किसी भी नीम का पेड़ है वहाँ पे आपको जाना है और वहीं पे नीम के पेड़ के नीचे आपको इसको जला के वापस अपने घर आ जाना है। याद रखिए दोस्तों आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। इतना करते ही सिर्फ 3 दिन के अंदर होगा प्रचंड वशीकरण, वो औरत या लड़की आपको संपर्क करेगी। इस उपाय को आप शुक्रवार की रात करना है, रात के 8 से लेकर रात के 10 बजे के अंदर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और आप भगवान श्री कृष्णा जी के सच्चे भक्त हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।